ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। आज मार्केट में काफी अच्छा ट्रेंड देखने को मिला, हालांकि वो ट्रेंड डाउन ट्रेंड था। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो कल हम लोगों ने एक चीज देखी थी कि आपने अगर गैप अप खुलती है तो ओपनिंग रेंज लगा लेना, गैप डाउन खुलती है तो ओपनिंग रेंज लगा लेना। पहला ट्रेड अपने को चल गया था दोनों साइड में, निफ्टी में लिया था हम लोगों ने ट्रेड, वो चल गया था 2 बजे के आसपास। हम लोगों ने शॉर्ट भी किया था, वो भी चला था, लेकिन ड्यूरिंग द डे मार्केट आपका स्लाइड करता रहा करता रहा करता रहा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ से ऊपर इसको, यहाँ के आसपास इसको रुकना चाहिए था, यहाँ पे आया और कंसोलिडेट किया। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपको एक सपोर्ट एरिया होता है, अगर यहाँ के आसपास कोई पॉजिटिव एक्शन मिलता है तो अपने लोग बाइक के साइड जाएंगे, बट एक्शन पॉजिटिव नहीं मिला। बार बार जाने के बाद यहाँ पे इसने ब्रेक डाउन दे दिया। ठीक है, निफ्टी को हम लोगों ने शॉर्ट किया था 2:25-30 के आसपास को। ठीक है, अभी मैं बात करता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपायरी होने वाली है और सारे स्टॉक्स के लेवल्स को भी नोट करना है ना। आज 30 मिनट्स की जगह 15 मिनट्स पर टाइम नोट करेंगे, बिकॉज वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले वनडे पे आते हैं, पर अगर आपको देखोगे तो क्या हुआ है, मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, आज इसने क्या किया, सेम ये वाला पैटर्न की तरह अपनाया, बस ओपनिंग गैप डाउन नहीं हुआ। यहाँ पे देख रहे हो एक बड़ी कैंडल थी, नीचे आया, उसके बाद यहाँ पे आपको सेलिंग देखने को मिल गई, ट्रेंडिंग मूव देखने को मिला। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो सेम चीज़ थी, यहाँ से यहाँ तक जा रही थी, उसके नीचे अपने को एक ट्रेंडिंग मूव देखने को मिला 440-450 के नीचे। ठीक, अगर मैं बात करता हूँ क्या ये मूव कल तक एक्सटेंड होगा या नहीं होगा, तीन के वो चीज़ देखने वाली है। ठीक है, यहाँ पे ये एरिया आपका एक सपोर्ट का एरिया है, कौन सा वो एरिया है आपका 44,000 के आसपास का, 925-440,000। अगर कल शॉर्ट कवरिंग को प्लान करना है नीचे की साइड तो 925-950 के नीचे ही होगा। ठीक है, जो आपको फर्दर 750 और आपका 574-75 के आसपास तक ले जा सकता है। कहाँ पे वो होगा, वो आपका इस लेवल के नीचे आपका एग्रेसिव सेलिंग होगा। अगर मार्केट खुलती है गैप अप, थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा फिर उस केस में, बिकॉज यहाँ पे आपके कॉल लेटर्स बैठे हैं, ऊपर की रेंज फिर आपकी यहाँ पे 516 है और नीचे की आपकी रेंज ये आ जाएगी। अगर थोड़ा बहुत गैप खुलता है, अगर बड़ा गैप खुलता है तो फिर आप होल्ड करना, वेट करना, 5 मिनट की ओपनिंग रेंज वाली स्ट्रेटेजी को लगाना, क्या मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है नीचे की तरफ जा रही है वो देखने वाली बात है। देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना, लेट से आपने ओपनिंग रेंज की ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी लगाई, ब्रेकआउट आया, उसके बाद मार्केट ऊपर चल दी, अब आपके फेवर में चल दी, अब एटलीस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट को ट्रेल कर लो, फिर इसमें तो लॉस नहीं लेना चाहिए, यहाँ के आसपास आ जाए तो अपना निकाल दो वापस, या थोड़ा बहुत नीचे आ जाए तो छोटा मोटा लॉस देखे, क्योंकि पहले आप प्रॉफिट में हो। सेम चीज़ क्या होता है, अगर ओपनिंग रेंज ब्रेकडाउन की स्ट्रेटेजी होती है तो क्या होता है, नीचे जाता है, उसके बाद जब मार्केट ऊपर आना शुरू करता है तो आप उसको निकाल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे समझना ध्यान से, अगर मार्केट खुलती है गैप डाउन तो मैं रिवर्सल को प्लान करूंगा। क्यों रिवर्सल को प्लान करूंगा, उसका सिंपल से एक रीज़न है, यहाँ पे आइए शार्प सेलिंग। ठीक, अगले दिन क्या होगा, मार्केट गैप डाउन खुली, इनको खुलते ही प्रॉफिट दिखेगा तो मार्केट आपका फर्स्ट हाफ में आपको साइडवेज को बुलिश हो जाएगी, फिर सेकंड हाफ में अपना ट्रेंड डिसाइड होगा। अगर सेकंड हाफ में कोई ट्रेंड लाइन वगैरह टूट रही है और या फिर आपका कोई ब्रेकडाउन मिलता है, लेट्स से एम पैटर्न बनता है, कुछ बनता है इस एक्शन के आसपास, ठीक है, या फिर यहाँ के आसपास या फिर यहाँ के आसपास, तब मैं शॉर्टिंग की तरफ प्रेफर करूंगा। वरना गैप डाउन में को पहली 5 मिनट में ओपनिंग रेंज में आपको मिल जाएगा, खुलते ही शॉर्ट मिल सकता है, लेकिन उसके बाद फिर अपने को रिवर्सल को प्लान मिल सकता है। ठीक है, ये हो गया बैंक निफ्टी का। वॉट इफ साइडवेज खुली, साइडवेज खुलने के बाद थोड़ा सा आपको फिर से नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। निफ्टी का भी हम लोग डेटा वगैरह देखेंगे वो, क्योंकि डेटा अपना बेरी साइड है। कभी भी मार्केट ना साइडवेज खुलती है, मतलब रेंज में खुलती है, तो आपको फिर ऑप्शंस का डेटा काम कर जाता है उस केस में। गैप अप या गैप डाउन, इमेजिन करो मैं आज सेल करके गया हूँ और मार्केट गैप अप खुल जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ, पैनिक हो सकता हूँ, बाइंग कर सकता हूँ, या फिर अगर बड़ा प्लेयर ज़्यादा जिद्दी होता है तो क्या करता है, नीचे लेके आता है मार्केट को, फिर लेके जाता है। अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाए तो मैं शॉर्ट करके तो क्या होगा, प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस होते हैं, बिकॉज यहाँ पे मुझे प्रॉफिट दिख रहा हो खुलते हुए, फिर अपने को प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाती है, इससे मार्केट आपके बाइंग ऑर्डर पंच होते हैं और मार्केट आपका ऊपर आता है। तो ये लॉजिक होता है, साइडवेज खुलती है तो मार्केट फिर आपका कोई भी सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी जो डेटा बताता है वो हो जाती है। ठीक, चलते हैं अपने लोग निफ्टी पे। आज हम लोगों ने निफ्टी को बाय किया, एक बार कॉस्ट टू कॉस्ट निकले और एक बार अपना प्रॉफिट बुक किया। ओपनिंग रेंज की ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी मिली यहीं पे समवेयर अराउंड, हम लोगों ने कहा 425 के आसपास इसको बाय किया था, 446 के आसपास हम लोगों ने इसको प्रॉफिट बुक किया था। फिर मार्केट नीचे आया, एक एक्शन बनाया, इस लेवल को टूटते ही, जहां ये लेवल टूटने का लग रहा था तभी हम लोग इसी कैंडल पे हम लोग 10 पॉइंट हाफ क्वांटिटी में बाय करी थी दोबारा से, मतलब फर्स्ट टाइम प्रॉफिट बुक करने के दोबारा एक अटेम्प्ट किया हाफ क्वांटिटी में 444 के आसपास, बट वो अपना 430 पे उसको भी एग्जिट कर दिया, बिकॉज आपका एक्शन नहीं बन रहा था, एक्शन नेगेटिव की तरफ जा रहा था। इसको तोड़ने के बाद समवेयर अराउंड यहाँ पे कंफर्म हो गया और हम लोगों ने फिर यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड लिया था, क्योंकि यहाँ पे आपका फिर एक्शन भी नेगेटिव हो गया और आपका नीचे की तरफ है, फिर नीचे का सपोर्ट एक गैप पेंडिंग था यहाँ तक का। ठीक है, तो वो चीज़ है, बट इतना तेज़ी से मार्केट नीचे आएगा इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने, नीचे आ जाना चाहिए था इसको, जैसे बैंक निफ्टी आ रही थी, बट काफ़ी तेज़ी से लास्ट में 2:30 बजे के आसपास आया मार्केट। ठीक है, वो MSCI की बैलेंसिंग होती है, कोई भी न्यूज़ आप होती है ना मैं आपको बता दूँ, फिर
वो प्राइस बता देता है, मतलब ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे एक नेगेटिव एक्शन बन के गया, मतलब ऐसा नहीं था कि पता नहीं था हम लोगों की मार्केट नीचे नहीं जा सकती है ना, वो इतना स्लाइड टेज करे वो बात अलग है। इसको आते हैं वनडे के चार्ट पे। गैप आपका केस थोड़ा कन्फ्यूज कर देगा, क्योंकि बिकॉज मार्केट में यहाँ पे आपके ये बने, यहाँ पे आपका एक ये चैनल बना हुआ है, ठीक है। नीचे की सेलिंग कहाँ आएगी, 19,300 के नीचे सस्टेन करने पे ही आपको फिर एग्रेसिव सेलिंग देखने को मिलेगी, जो आपको 230 तक भी ले जा सकती है, क्योंकि यहाँ तक का जो लो है। अगर किसी भी कारणवश लगता नहीं, जो नहीं लगता है मतलब 90% चांसेस कि ऐसा नहीं होगा, 43,574 560 का लेवल टूटता वो दिखता है, निफ्टी में 19,000 आपका 200 का लेवल टूटता वो दिखता है, बिकॉज यहाँ पे मंथली में सबसे ज़्यादा पोटाइटस है, तो दिक्कत आने वाली है तगड़ी। सेम चीज़ क्या है, 19,450 का लेवल ऊपर है, 444 425 से 440 के बीच में जो रेजिस्टेंस जोन है वो, और यहाँ पे आपका बैंक निफ्टी में है वो 43,700 के आसपास, 700 750 के आसपास, ये आपकी बिग रेंज है। फिर शॉर्ट कवरिंग मंथली एक्सपायरी किधर की तरफ भी जा सकती है, फिर वो कहाँ तक ले जाएगी कहाँ तक नहीं वो हमको नहीं पता। मोटी मोटी जो रेंज आ रही है निकल के, अभी हम लोग ऑप्शन के डेटा पे चलेंगे, लेकिन मोटा मोटा जो रेंज निकल के आ रही है वो 19,300 नीचे की आ रही है, और ऊपर की आपकी आ रही है 19,450, ठीक है। ये आपकी रेंज आ रही है अभी के लिए, ये 280 तक भी हो सकता है, 290 वगैरह भी हो जाता है, कभी कभी नीचे से वापस ऊपर आती है। और जो इसकी रेंज आ रही है बैंक निफ्टी की, वो आ रही है 42,000 44,000 और 950 से 30-40 पॉइंट अगर ऊपर नीचे होता है ना, तो मैं मानता हूँ कि वो वही सेम चीज़ है, ठीक है। और ऊपर आपकी आ रही है 44,500, ठीक है। ये आपकी जो इमीडिएट रेंज आ रही है, अभी डेटा पे चल के कंफर्म कर लेंगे उसको। चलते हैं ऑप्शन चेन पे, ये आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो आपको कॉल लेटर्स से कॉल लेटर्स दिखेंगे, पुट्स दिखेंगे नहीं। सुबह यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आई थी, यहाँ पे फिर आपका, अब देखो ध्यान समझना, हुआ क्या, मार्केट खोली गैप अप, ये चीज़ समझने वाली, गैप अप खुलने के बाद मार्केट आई नीचे, मतलब बाद में नीचे आई, उस दौरान जो लोग कॉल बाय करके गए थे उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया और फ्रेश कॉल शॉर्ट करी। सेम चीज़ यहाँ पे भी है, अगर पुट बाय करके गए और नीचे गैप डाउन खुलता है उसका रिवर्सल को हो गया, वो रिवर्सल कहाँ तक जाता है, वापस से ट्रेंड मार्केट नीचे आया फिर वापस से ऊपर जाने का जाता है, फिर वापस कंटिन्यू करता है या नहीं करता है वो देखने वाली बात होती है, ठीक है। मतलब एक आपको ट्रेंड लाइन वगैरह कोई एक्शन जरूर मिलेगा उस केस में। यहाँ पे आपकी पुट्स नहीं है, तो आपको डेटा आपको बेरिश की तरफ ही सजेस्ट कर रहा है। मैं बैंक निफ्टी पे आता हूँ, बैंक निफ्टी पे आपको देखोगे तो ये एरिया पे 17 लाख, 19 लाख, 11 लाख, 17 लाख, 44,000 पे पुट्स बैठी हैं सबसे ज़्यादा ऐड हुई हैं जो, ठीक है। तो यानी कि क्या चीज़ है यहाँ पे, 44,000 अभी आपको नीचे एक बार सपोर्ट होगा, 950 980 44,000, ठीक है। तो वो चीज़ है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सब जगह ह्यूज कॉल राइटर्स बैठे हैं, दिख रहे हैं। तो इसका डेटा इंटरप्रिटेशन का आप सिंपली क्या लगाओगे कि नेगेटिव है। नाउ अभी चलते हैं स्टॉक्स पे और देखते हैं कि कौन से स्टॉक्स का ब्रेकडाउन है, छोटा टाइम फ्रेम पे देखेंगे ताकि एक्सपायरी ट्रेंडिंग होगी या नहीं होगी वो भी पता चल जाएगा, आइडिया लग जाएगा स्टॉक्स के लेवल्स पे आके। नाउ HDFC बैंक की अगेन हवा निकल गई, जो जो उछल रहा था ज़्यादा ये, ठीक है। हम लोगों ने ऊपर की रेंज 1599 देखी थी, वो ऊपर खुला उतना था, 15 मिनट्स का चार्ट लेके आता हूँ मैं, देखो गैप तो सब उतना ही उसने ये लगाया था ऊपर की रेंज, और नीचे की रेंज हम लोगों ने कितनी लगाई थी, 1588 और 1580, ठीक है। उसने उसने यहाँ से ब्रेक डाउन दे दिया था, ठीक है। इसीलिए जब मैंने शॉर्ट कराया था टारगेट ओपन रखे थे, मतलब ऐसा नहीं था कि टारगेट दे दिए, SL का आपको वो था कि पहले से फिक्स होता है, लेकिन जब मार्केट स्लाइड कर रही थी क्यों कर रही थी, उस सारे IT भी आपको फॉल्स ब्रेकआउट 30, अभी हम IT को भी देखेंगे 31,200 पे, कई दिनों से मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, ये सारे भी वहाँ से ब्रेकआउट डाउन देने के आ गई। रिलायंस भी आपका टूटना चालू हो गया, आपका बैंक निफ्टी में इंडेक्स HDFC बैंक वगैरह भी आपका टूटने चालू हो गया, ICICI वगैरह सब टूटने चालू हो गए, तो फिर आपका नीचे आना तो लाजमी था, तो वो होल्ड करने वाला ट्रेड होता है उस केस में, ठीक है। ऊपर की रेंज कहाँ से ब्रेकआउट डाउन आया था वो चीज़ देखनी है, तो वही आपकी ऊपर की रेंज बन रही है। कौन सा पॉइंट आ रहा है वो ये वाला, ये कौन सा लेवल है आपका 1588, ठीक है। ये ऊपर की रेंज हो गई, नीचे की रेंज क्या आ रही है, ये लेवल जो है, ठीक है, यानी 1560 आ रहा है। अपसाइड ट्रेंडिंग हो जाएगा अगर 1588 को क्रॉस करेगा, डाउनसाइड ट्रेंडिंग को होल्ड करना अगर 1560 तोड़ता है तो, ठीक है। ये अपने इसके आ गए, दूसरा आता है अपना ICICI बैंक। मैं ना एक आपको वीडियो बना दूंगा इस पर अलग से, जब भी टाइम मिलेगा, कि जिसमें आपको बता दूंगा कि स्टॉक्स को देख के आप इंडेक्स की चाल कैसे निकालनी है, ठीक है। यहाँ पे ICICI बैंक था, ठीक है, नीचे का हमारा ये लेवल था, कौन सा था वो 965 का, ऊपर का आपका क्या था, यही रेजिस्टेंस था 970 880 के आसपास की, ठीक है। अब क्या आ रही है, ठीक है, ये अभी आज के लिए नहीं है, अब आज के लिए हमारी क्या होगी, जो सपोर्ट हुआ करती थी वो दैट बिकम्स अ रेजिस्टेंस पॉइंट,
तो कौन सा रहा है वो 965 का। नीचे आपकी सपोर्ट एरिया कौन सा है जो स्विंग्स आपके प्रीवियसली हैं, यानी कि आ रहा है 950 के आसपास का, ठीक है। तो ये रेंज आपकी ICICI बैंक की आ रही है। आते हैं नेक्स्ट अपना SBI के ऊपर, SBIN, सेम सब चीज़ सेम ब्रेक डाउन देने के उस पर थे, ठीक है। जब भी होता है ना तो होल्ड कर सकते हैं फिर उस केस में हम लोग, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ से ये आपका ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन था, दैट टू आपका डबल टॉप। सिंपली मैंने आपको चीज़ सिखाई हुई, डबल टॉप का ब्रेक डाउन आता है, साथ में आपका ट्रेंड लाइन टूटा था वो ट्रेड अच्छा मिलता है, ठीक है। ट्रेंड लाइन वाली वीडियो में बता रखा है। इसमें कहाँ पे आपका सपोर्ट हुआ करता था, वो आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा, 572 का लेवल, ठीक है। नीचे सपोर्ट एरिया कौन सा है, वही सेम चीज़, सपोर्ट से अगर स्टॉक्स लौट रहे हैं तो ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस, नीचे की तरफ लौट रहे हैं तो नीचे की तरफ रेट, ट्रेड अगर ब्रेकआउट दे रहे हैं तो आपको बाइंग की साइड का ट्रेड को कैरी करना है, नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दे रहे हैं तो आपको सेल की साइड की तरफ कैरी करना है, वैसे सिंपल। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो ये आपका पहला सपोर्ट हुआ करता था जो अभी डिफेंड नहीं करा है, लेकिन ये अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे खड़ा है। कौन सा है वो 565 के आसपास का, और फिर नेक्स्ट आपको जो सपोर्ट आ रहा है वो आ रहा है 558, यानी 565 एंड देन आपका 565 के आसपास, ठीक है। ये SBI हो गया। देन नेक्स्ट आता है आपका रिलायंस। रिलायंस कल हमने बात की क्या की थी, आपको याद होगा तो 2500 रुपये के आसपास, 2510 रुपये के आसपास इसका सपोर्ट एरिया था, वहाँ से 2540 तक गया था। और यही चीज़ हम लोगों ने डिस्कस भी की थी कि आपका 2440, 4660, 2460 ये आपका रेजिस्टेंस पॉइंट था। यहाँ पे आपका अगर आप देखोगे वापस से इसने ऊपर गया, ठीक है, ये आपका नीचे आ गया। तो अभी रेजिस्टेंस कौन सा वापस है, 2442 के आसपास इसका रेजिस्टेंस पॉइंट है, और नीचे सपोर्ट पॉइंट कौन सा है आपका, वन डे का चार्ट लगाते हैं, 2500 एक राउंड लेवल है, सॉरी 2400 एक राउंड लेवल है, तो ऑब्वियसली वो होता ही है। कल हम लोगों ने ये चीज़ सेम चीज़ देखी थी कि इंट्राडे में एक पुल बैक दे सकता है रिलायंस, क्यों दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपकी मेजर सपोर्ट से लौट रहा है, ठीक है। तो नीचे का लेवल 2400, 2398 मान लेना, ऊपर का आपका 2440 मान लेना, ठीक है। IT पे आते हैं, अगेन ये सेम चीज़ें मैंने टेलीग्राम पे मेंशन किया था, 170 से लेकर 200 के आसपास, ये थोड़ा सा गलत मार्क है, यहाँ पे है ये आपका नीचे थोड़ा, 170 से 200, ये सेम चीज़ है। नाउ अगर IT में ब्रेकआउट आ रहा है तो ध्यान से समझना, निफ्टी को शॉर्ट करने का कोई सेंस नहीं है फिर उस केस में, क्योंकि IT आपको खींच के बचा ले जाएगी। सेम चीज़ रिलायंस, निफ्टी IT चल रही और रिलायंस चल रही, तो निफ्टी को आज आप देखोगे ना मॉर्निंग में रिलायंस चला था, तो रिलायंस तो निफ्टी को शॉर्ट करने का कोई सेंस नहीं था, है ना। तो हमने निफ्टी को बाय किया था रादर देन बैंक निफ्टी को, ठीक है। हाँ, फिन निफ्टी को हमने किया था, एक बार प्रॉफिट भी दे रही थी, बैंक निफ्टी भी प्रॉफिट दे रही थी, बट हमने कॉस्ट टू कॉस्ट पे ट्रेड कर लेते हैं। कभी भी अगर प्रॉफिट आ रहा हो, टारगेट बन के आसपास पहुंचा हो, उसके बाद अगर वापस से आपका कॉस्ट पैदा, तो फिर उसमें लॉस नहीं लेना चाहिए। यहाँ पे आप देखोगे तो सेम चीज़ है। नाउ ब्रेक डाउन पॉइंट कौन सा है इसका, इस लेवल के नीचे अगर मार्केट जाना शुरू करेगा, यानी कि IT जाना शुरू करेगा, तो अगेन आपको इसके यहाँ तक का नेक्स्ट सपोर्ट आपका यहाँ है। वेयर इज आप अगर इसके ऊपर जाना शुरू करेगा तो 31200 का आपका ऊपर का लेवल है, 170 से 200 के बीच में, और नीचे का लेवल थोड़ा सा हम लोग इसको टाइम फ्रेम छोटा करते हैं, ये एरिया है, ये जो आपका आ रहा है 30800, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक की रेंज है आपकी। तो IT और रिलायंस पे ध्यान रखना है, और अपने तीन बैंक पे ध्यान रखना है जो अपने बैंकिंग सेक्टर के होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।